आशा है इनका खर्च। आके मेरे को बोले कहते हैं मैसेज तो सबको किए ग्रुप में भी डाले पर्सनल भी मैसेज सारे किए उनका तो बंदा कोई आया ही नहीं। मैंने बोला कि संगत आए वो तो आपने काम ही नहीं किया काम ही नहीं किया आपने सिर्फ सजावट की ये दिखाने के लिए सजावट की। आपने एक लाइन बोले कि हैरान हो जाएगी दुनिया कैसी डेकोरेशन करी। इसलिए मैं कर रोकूंगा क्यों गुरु जी को ये दिखावट और एक तो दिखावट प्यार से दिखाना किसी को वो बात कुछ और है एक ईगो वाली बात होती है कि मेरे जैसा तो दुनिया में कोई नहीं ईगो वाली। मैं कह जी ये बड़ा कारण था आपने जब ये लाइन बोली थी ना मैं तो उसी समय बस मेरी तो बस होगी मेरा मन यही कहता था कि तू भी चले जा इतने कुछ नहीं इसलिए कोई नहीं आया। वो ज्यादा नहीं बोला चुप रहा मंगल पूजा फिर बैठे फिर मैंने उनको समझाया मैं क्या कुछ पाने के लिए कुछ करना जरूर है आपने गुरु जी को भी बुलाया आपने दुनिया बुलाई गुरु जी को बुलाते गुरु जी आते तो फिर संगत आती बड़ी सीधी सी बात। गुरु जी का गुरु का और संगत का एक चोली दामन का रिश्ता नहीं रह सकता ना संगत गुरु के बिना रहेगी ना गुरु जी के बिना संगत नहीं रहेगी ना गुरु जी संगत बिना रहेगी ये 100% पक्की बात। आपका इतना गूढ़ा रिश्ता है गुरु जी से शायद आपको पता नहीं है बहुत सी बातें हैं जो आपको पता नहीं है सालों साल हो गए कहीं सालों से क्या होना करना कुछ नहीं साल बिता देने बड़ी दुनिया है 70-80-90 साल के होके चले जाते दुनिया से या कुछ भी नहीं आगे कहाँ जगह मिलेगी नहीं मिलेगी जगह आगे पाने के लिए मेहनत तो करी नहीं। मैंने कहा कि ये चीजें गुरु जी के लिए कोई मायने नहीं रखती आज समझ लिया बात को आपको समझ शायद आनी चाहिए मेरे कहे नहीं कहता हाँ मैं कुछ बात समझा कुछ वजह है जिस वजह से कोई नहीं आया। मैं कह यही वजह है ईगो आ गई अपने अंदर दिखाने की ईगो आ गई कि ऐसी डेकोरेशन करी ठीक है ये सारा सामान आपका है आपका बिजनेस है
मैं कहता हूँ अगर दुनियावी तौर पे देख के बोलूं, मैं बोलूं वाकई जो आपने डेकोरेशन करी है ना बड़ी कमाल की, पर मैं क्या एक गुरु महाराज ने कर बात बोली, कहते भली सुहावी छापरी, छापरी झोंपड़ी के मुख छप्पर डालना झोंपड़ी को बोलते, भली सुहावी छापरी जा मैं गुण गाए, मैं उन्होंने महाराज ने अपने आप को बोला। ये काव्य रचना है, इसमें थोड़ा सा वर्ड ऊपर ध्यान से समझना पड़ता है, मतलब निकालना पड़ता है। जा मैं गुण गाए, जा मतलब जिथे मेरे गुण गाए, भली सुहावी छापरी वो मेरे लिए झोपड़ी बड़ी सुहावी है, बहुत खूबसूरत है, बड़ी अच्छी है, जहां मेरे गुण गाए जाते हैं। कहते महिला अग ला दो, मैनु बैल नहीं चाहिए। एक मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुना, ये गुरु जी की एक रीत है, ये बीच बीच में एग्जाम्पल स्टोरी की एग्जाम्पल सुनाने के बिना समझ नहीं आती, शुरू से चलती है। एक राजा परमात्मा से उसकी लगन लगी, बड़ी लगन लगी, कोई भी साधु कोई महापुरुष कोई रब का बंदा महल पे आता था ना, तो हुक्म था उसको बड़े सत्कार से अंदर लेके आओ और मेरे को फट से हुक्म कर आके बताओ कि कोई ऐसा पुरुष आया है, तो वो सारे काम छोड़ के उनको अटेंड करता उठाना और उनसे परमात्मा की बातें सुनना, ये उसका काम। आप सुन रहे हो ना, जो ऐसा ही काम करता परमात्मा की बातें सुनना। इस पाठ में भी तो ये गुरु जी की परमात्मा की बातें हैं, गुरु जी परमात्मा उनकी बातें सुनते हैं, तो उसने ना बातें सुनना, जब बातें खत्म हो जाना तो उनकी खान पान की सेवा करके तो कुछ दे के उनको विदा कर, और उस समय उस राजे ने बोलना कि कोई भी बंदा मेरे को डिस्टर्ब नहीं करता, अब ध्यान से समझो पाओ, मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक दिन एक साधु आया, परमात्मा की बातें शुरू हो गई, उसके महल के भीतर किसी एक जगह पे आग लगी, आग लग गई तो अहलकार जो हुए हैं दौड़ते हुए आए, उसने देखा कि मेरे को डिस्टर्ब कर देना इन्होंने, आते उसको ऐसे हाथ करके रोक दिया कि जाओ डिस्टर्ब नहीं करना, वापस हो गए। आग पता है जब लग जाए तो बढ़ती जाती है फटाफट, बढ़ती शुरू हो गई, फिर आए इशारा किया चलो पीछे, फिर चले गए।
इतनी आग फैलती हुई जहां बैठा था उस कोने में आग पकड़ी, अंदर लपटानी भी शुरू हुई। फिर वो आए, उसने इशारा किया चलो मेरे को डिस्टर्ब नहीं। वो तब तक वो बातें परमात्मा की सुनता रहा जब तक खत्म नहीं हुई। जब उस साधु ने बातें खत्म करी तब उसने अहंकार को इशारा किया, क्या बात है? तो राजा जी आग लग गई है, पीछे मुड़ के देखो, आपके जहां बैठे कोना भी आग पकड़ चुका है, तो ये सब कुछ सवा हो जाना है। तो बस इतनी सी बात थी, आग लग गई थी, जल के महल राख हो जाता है, फिर क्या होना था? कहता जिसने ये महल दिया है मैं उसकी बातें छोड़ के आपके बारे में सोचने लग जाता। जिसने आज दिया है महल वो कल भी दिया, फिक्र किस बात की? ये सोची समझ पर आप कैसे हो, कुछ करने से हो, सुनना फिर समझना। बातें क्यों सुनता था? खाली कांग्रेस लेना, सुन लेना, पता ही नहीं क्या बोल गए क्या नहीं बोल गए, सुना भूल गए, अपने काम में मस्त हो गए, सुना तो किसी काम का नहीं रहा, खत्म हो गए। लेकर वो सुनना और उस पर चलना, चलना तो मतलब कहते हैं कुछ करना पड़ता है, तब जाके उसके अंदर सोची आई। तो जिसका रिजल्ट उस दिन आया, परमात्मा ने देखा, मैं देखूं तू कहां तक पहुंचा गया, तेरी समझ मेरे बारे में जानना, मेरे ऊपर रहना, तेरा कहां तक पहुंचा है। तो उस दिन उस राजा को पूरन प्राप्ति हुई थी। लेकिन बोला था तो क्या हो गया, रात हो जाता महल जल के, और क्या हो गया, इससे ज्यादा क्या हो गया? इसने आज ये महल दिया है कल भी देगा, क्यों फिक्र पूछा? पर बिना किए कुछ होना नहीं, सारे समझ करके देख लो जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन हो नहीं कुछ। फिर पछतावा रहे, पछतावा कई बार तो इसी जन्म में आखिर में होता है, तो कई बार अगले जन्म में पछतावा, जब जन्म लेने की तैयारी होती है ना तब पछतावा होता है। जब बुलबुला अंदर से निकल जाता है तो किसी दूसरी नई बॉडी में कब जाता है, तभी से पछतावा शुरू होता है। आत्मा फिर बात करती है, फिर वो कहती है कुछ पिया ही नहीं, फिर उसी कुंभी नर्क में आ गए, फिर फंस गए। क्या ऐसे ही जिंदगी यहां निकालते रहेंगे? जम जम मरे या न समझे, जम जम मरे, मरे फिर जमे, ऐसे चल गया ना, मर जाओ जन्म ले जाओ।
मर जाओ जन्म ले लो, मर जाओ जन्म ले लो, यही चाल चल रही। पता नहीं हमें कितने लाखों साल हो गए इसी चक्कर में चलते, पता नहीं कितने लाखों साल आगे चलते गए। जम जम मरे, मरे फिर जमे, बहुत सजाए पई ये देश लमी। ये सजा है जिन्हों तुम बड़ी खूबसूरत जिंदगी समझ के बैठे हो ना, आप भूल जाते हो। कई पल जिंदगी के ऐसे आते हैं, रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता है, एक बार मन दुखी होता है, आप भूल जाते हो। आनंद तो आया ही नहीं ना, इसकी तो बात ही लग चुकी। आनंद तो आया ही नहीं, आनंद का तो आपने भी स्वाद ही नहीं देखा। जिसने आनंद का स्वाद देखा है ना, वो तो सब कुछ हो चुका, ये तो सब कुछ पीता है। जो आनंद में मिठास है वो इस जिंदगी जीने में नहीं। हमने तो सबसे ऊपर स्थान जो रखा हुआ है वो रखा है अपनी जिंदगी, अपनी जिंदगी को रखा है। हम भी पी रहे हैं, 53 साल गुरु जी भी जिए शरीर में, आत्मिक तौर पर ज्योत स्वरूप, तो वो तब से हैं जब ये धरती चांद सितारे नहीं बने थे, वो तो तब से है। तो जिस दिन ये सब खत्म हो जाना है ना, मंडल सारे जितने सब खत्म हो जाने, वो तो सब खत्म हो जाने, इन्होंने फिर भी रहना। पर 53 साल देखने में जो आए इनके, हमारे और गुरु जी में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का थोड़ा भी टोटल उलट है। गुरु जी शरीर को अहमियत नहीं देते, ना अपने शरीर को ना संगत वालों को बोलते थे कि इसकी अहमियत क्या है। हाँ इतना जरूर बोलते थे, शरीर दिया है इसको संभाल के रखें, शरीर दिया है आपको इसको संभाल के भी रखना। अब आप सोचोगे कैसे संभाल के रखना, आराम से चले, ठोकर ना लग जाए, ये ना हो जाए, नहीं। बिना गुरु जी की याद के, बिना भक्ति किए ये शरीर में भी सुखी नहीं रहे, ये दुखी वाली पोजीशन में भी है, कभी इसे चैन नहीं मिलेगा। क्योंकि चैन वाली चीज हमने वो करी नहीं, गुरु जी ने कष्ट लोगों के माफ कर देने के कई तरीके थे, है कर्मों का खेल, मेन है कर्म। जितने हमें तंगी आ गई, बीमारी आ गई, रुक गए,
कुछ भी हो गया जिस कारण से गुरु जी के पास अब सब आए हुए, बहुत कारण है, ये अनेक तरह के कारण, ये सब कर्म है। नाम लेने को बोलते हैं काम काज, नाम लेते हैं, लेकिन असल में ये कर्म है। अब कर्म वो जागे हैं जो किए हैं, जैसे किए हैं वैसे जागरूक होंगे, हर पल आने आगे समय आने पर वो जागरूक होते हैं, वही अब वही सामने आता है, वही हमारे हाथ में आती हैं चीजें। मौज आनी तो किसी के कर्म माफ कर दो, मौज आनी कुछ माफ कर देने, कुछ कहना कर्म भोग कर, मौज आनी तो सारे ही कर्म का कर्म भोग कर, ये होता सारे कर्म का भोग कर। लेकिन उसमें गुरु जी हमारे जैसे नहीं है, उदाता है, देना है हमें, कुछ ना कुछ देते हैं, बहुत भी देते हैं, नहीं देना उनके हिस्ट्री में नहीं, देना जरूर है, चाहे कितना भी बुरा इंसान क्यों ना आ जाए उसको देना जरूर है, चाहे थोड़ा भी। लेकिन जब कर्म भोग गुरु जी करवाते थे तब उसको एक ताकत देते थे साथ, तू कर्म भोग बहुत ज्यादा मुश्किल में आके करेगा, कर कर्म भोग उतने समय पूरा, लेकिन थोड़ा सा हल्का कर दे, हाय तो वह होती जरूर है, इतनी नहीं होती जितनी उसकी बनी हुई, ये गुरु जी करते। लेकिन कर्म माफ कर देने तो वो सारे जो कर्म माफ किए हैं ना अब कहाँ जाएंगे, किसी के कर्म माफ कर दिए अब उनका भुगतान कोई तो करेगा, कोई तो करेगा, ये आपके हिस्से में भी आ सकते हैं, मैं आपको बताऊं, ये आपके हिस्से में भी आ जाने। कई बार देखो किसी से मिलके आओगे, किसी के घर से होके आए, ऐसी बुरी वाइब्रेशन है उनके वहां, वो आप पे असर कर जाएंगे, किसी का सिर दर्द करना पटना शुरू हो गया, किसी की आंखें, कोई बोलेगा चला नहीं जाता, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई बोले मन बड़ा बेचैन है, ये आपके से मिल जाए। लेकिन गुरु जी जिन जिन लोगों के कष्ट माफ करने, मतलब कर्म माफ करने, अब वो कर्म कहीं इधर उधर किसी के हिस्से में चले नहीं जाए, वो अपने पेट में रखते। अब मैं उनकी एक अंदर की बात करता हूं, वो अपने पेट में उन्होंने रख लिया, और तो कोई स्थानीय पॉकेट पॉकेट देखो कोई ऐसा करते हैं, पेट में शाम तक पेट फूल के यहां रखा है, और पत्थर जैसा हो गया, बड़ा हार्ड हो गया। रात को उन्होंने उस सब कर्मों को खत्म कर देना, तो सवेरे फिर गुरु जी ने नॉर्मल वैसे पेट होता नर्म और है साथ लगा हुआ,
एक दिन संगत सारे चली गई, 10-15 लोग रह गए। अब गुरु जी चेयर से उठे तो उनसे ना पूरा उठा ना गया तो बीच में ही शरीर ऐसे रुक गया और ऐसे थोड़े से टेढ़े हो गए। मैं बिल्कुल साथ खड़ा हूँ क्योंकि ये ड्यूटी होती है, कोई सेवा है तो वो करनी है, वो करे जान के करके तो खत्म करके आके गुरु जी के पास आगे बैठ जाए, ये हुक्म होता है। अगर मैं अपनी मर्जी से कहीं याद आया ना कि वो मोटर चलाई थी इसलिए बंद कर दी कि नहीं मान लो, तो मैं अगर मोटर देखने चला गया ना कि मोटर बंद कर दी तो तुरंत बैल बज जाना। रिमोट बैल गुरु जी के पास रखते थे हम टेबल साइड टेबल पर, तो उन्हें चुकना तो बैल मारनी, तो मैं वहां से दौड़ के आना, बैल आई कितने सी गुरु जी इतने सी, मैं रिमोट अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, इतना भी मारते नहीं होता। मैं पास ही खड़ा हो गया था जब खड़ा हो गया तो पूरा खड़े ना हो पाए, तो मैं जांच हो गई कि गुरु जी ना खड़े नहीं हो पाए, तो मैंने ऐसे बाजू से ना जांच से मैंने ऐसे पकड़ा तो टेढ़े ऐसे ही आधे खड़े हैं, तो उन्होंने ऐसे नजर मार के ना ऐसे सबके ऊपर देखी, तो एक कोने में एक सरदार जी अच्छे हेल्दी सरदार जी एक बैठे, उन्होंने इशारा कहते आ जा भाई तेरा भी लगे हथ कल्याण कर देंगे, उखली दिया दो सटा होर से, मतलब तेरा भी आ जा कल्याण कर दू, वो उखली की सारा दिन चोटे तो मेरे को पड़ती रहती है, चल तेरी दो चोटे और से। मैं कहा गुरु जी बस कल मंगवा लो, कल कर देना, आपसे तो खड़े नहीं हो पा रहे ते कल कर देना, आज रहने दो। तो ऐसे ही पोजीशन में मेरे को ना ऐसे, मैं उनके लेफ्ट साइड पे ऐसे ऐसे मेरे को बोलते हैं, कहते हैं पशु मरे 10 काज सवारी, नर मरे कुछ काम नया, कहते जब तक ये शरीर है ना इससे जितना काम लेना है ले, जितना ले सकते हो ले, इसका कुछ नहीं मिलेगा। आम एक कहावत है, कहते कि चमड़े को जितना कूटोगे ना उतना मजबूत बनता है। आज के शरीर आज से 50-60-70 साल पहले के जो शरीर थे ना उनके मुकाबले पे जीरो है आज के शरीर। फिर भी देखना हो जो लड़के जिम जाते हैं, जो लोग मशक्कत का काम करते हैं, हथौड़े चलाते हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जान मारते हैं, उनको शरीर को देख के आप समझ जाओगे बड़ा सॉलिड शरीर है और उनको कुछ होता नहीं, वो जल्दी बीमार नहीं होता।
क्योंकि अंदर से गंदगी बाहर निकालती, पसीना आया गंदगी निकलती। परमात्मा ने ये रोम क्यों बनाए, इनकी गिनती नहीं। कहते हैं आमतौर पर जितने बाल हैं उतने रोम, तो ये रोम बनाए हैं वो एक ऐसे छोटे छोटे सराख हैं, उनमें से पसीना बाहर आता है। वो क्यों आता है, क्यों बनाए रोम उसने? इस शरीर की गंदगी रोज बनती है, रोज निकल जाए तो आदमी को कभी बीमारी नहीं होती। वो बीमार नहीं होता, पहले कौन बीमार होता? ऐसे बीमारी का नाम सुन क्या पहले किसी ने होती नहीं। लेकिन कुछ ना करने की वजह से शरीर सबके बीमार। आज इंसान कहता मैं बड़ा सियाणा हूं। देखो पहले इसी जमाने में 70 साल के बाद हार्ट अटैक आता था किसी को, ज्यादातर रहा 60 साल के बाद, फिर हुआ 50 साल के बाद, अब हो गया है 35 साल के बाद। आप जरा सर्वे कर लेना, पूछ लेना हार्ट स्पेशलिस्ट जो है हॉस्पिटल, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक की मौत किन की होती, कहते नौजवानों की होती। आज की जनरेशन ने अपने आप को कहां लाके खड़ा कर दिया, क्यों? कुछ करना ही नहीं, शरीर के बारे में कुछ करना ही नहीं। घर वाले को काम कह देना, जा करके आ जाते हैं, तो जवाब दे देते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने ये करना वो तो भी कर। और बिना साधन के जाना नहीं, यहां तक जाना हो, घर के पास तक जाना हो, तो स्कूटर की मोटरसाइकिल के कमारेंगे तब जाएंगे। मेरे को अपना याद है, कोई भी सामान लेके आना बस ऐसे ही जाना, ऐसे ही वापस आना। तो कई बार खाना खाते हुए ना बात चलनी, तो कई बार फादर कहना यार दही होता ना तो बड़ा मजा होना सी, बड़ी बड़ी सुन दही होता था और स्वाद आना भी। हम दोनों तो भाइयों में से किसी को एक को बोलना, कहना फटाफट जा, दौड़ के जाते, दौड़ के आ दही लेके आ जा, बीच में रोटी छोड़ के दौड़ जाना, और बाकी दौड़ के जाना, दौड़ के आ जा। सो वो जो गुरु जी ने बात कही कि पशु मरे 10 काज सवारे, नर मरे कुछ काम ना। मैं अपनी जिंदगी में ना गुरु जी की एक एक कही बात को मैंने पकड़ के रखा है, अपना तरीका है। मैं सबको कहता हूं आप सुन के चले जाते हो, बस 4 कदम 10 कदम चलने के बाद सब खेल खत्म हो, कोई प्रैक्टिकल नहीं करता, कोई उस पर नहीं चलता, तो कब पहुंचोगे गुरु जी के पास? अच्छा जीवन कैसे व्यतीत करोगे? सब छोड़ दो, कोई कोई बिरला भी उठ नहीं आता है। तो ये चीज मैंने अपनी अपना ली, मेरे को कुछ भी हो जाए, आने से पहले मेरी आवाज आते तो पता लग रहा है ना पड़ी हुई होगा,
लेकिन भला किसी काम का नहीं था। तो कल भी परसों ही मैंने सोचा कि बोलना ही तो है, तो अगर ऐसी गले की पोजीशन है तो वहां जाकर मैं करूंगा क्या, मैं फोन करके बोलूं क्या करूं क्या ना करूं। तो तुरंत एकदम से वो ही दिमाग में बात याद आती है, टेंशन ना कर, आपके गुरु जी रास्ता साफ करना, रास्ता पूरा कर। मैं कई बार मेरे साथ प्रैक्टिकल हुए, मैं रुका नहीं। बुखार भी आया, तेज भी आया। चला एक सत्संग में मेरे फ्रेंड्स के लोन में गया, तो 3 साल की बात होगी, ऐसा वायरल हुआ कि जब मैं वहां पहुंचा, खाली बुखार था, काफी था, लेकिन मैं चला गया। आंटी मेरे साथ गए, उसने मेरे को पता कहा, मैं कर दू दरिया कभी रुकता नहीं है, चाहे कितना भी गंदा पानी क्यों ना आए, उन्हें रुकड़ा नहीं। गुरु जी गए, ना गुरु जी रुके ना उनको देख के हमने शिक्षा क्या ली, चले गए। वहां बैठे बैठे जैसे जैसे आरती नहीं जी गाती गई, मेरा बोलने का समय मतलब नहीं जी गाता गया, मेरे शरीर ने शिवरिंग शुरू, बड़ी जबरदस्त शिवरिंग शुरू, बड़ी जबरदस्त। तो मैं ना, मेरे पास जितने लोग बैठे तो हक्के पक्के कहते क्या अंकल का ऐसे 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 बड़े जोर से काम रहा है, देख रहा है साहब। तो मेरे को किसी ने बोला भी, एक दो ने कहते अंकल तभी तो बड़ी थोड़ी ज्यादा खराब है, क्या कुछ लाऊं आपके लिए। मैं कभी कुछ क्या लाओ, क्या इतने में टाइम आ गया, अनाउंसमेंट करी, मैं हॉल भरा हुआ था तो उसके साथ बैठने आ जाओ और आप सत्संग करो। मैं उठ के वहां बैठ गया, सोच भी रहा हूँ गुरु जी आवाज अगर ऐसे में आई तो बड़ी अजीब सी आवाज आनी, ये आपका काम है, आप ही जानो, मैंने क्या लेना देना, मैंने अपना काम करना है, आगे आपकी। मैंने जय गुरु जी बोला और वही बड़ी जबरदस्त काम की हुई आवाज भी मैंने सत्संग की। वो सत्संग ना मेरे को याद आया, मैंने फिर वो सत्संग भी सुनाया। एक दिन गुरु जी ने बिस्तर, मैंने गुरु जी का बिस्तर लगा दिया था, फिर कहते कहते वो एक नमीर जाई आई है, वो कितने, मैं क्या गुरु जी है कि तब वो सुपर पड़ी है, बैठ पड़ी है सब। कहते इतना कर तू ना वो वाली रजाई लगा दे और ये रजाई तू ले, तू ले ले। मैंने गुरु जी की रजाई फोल्ड करके पूरी ऐसे पैरों की तरफ से ऐसे पहले फोल्ड करना, फिर साइडें फोल्ड करके, तो फिर ऐसे लंबी की लंबी ऐसे रखनी, तो गुरु जी ने एक साइड से ऐसे उठाना, ये तरीका था उनका। तो मैंने वो रजाई इकट्ठी करी करके तो ट्रीटमेंट रूम में ले आया, तो वहाँ से ऊपर खोला
और जाए तो खींचा पकड़ के खींच उतारी पैर में खोली खोल के तो मैं ला के पकड़ के फिर जाए वो सेट कर। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲਗਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਾ ਬਿਸਤਰ ਆਪਣਾ ਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਲੋਬੀ ਮੈਂ ਲਗਾ ਲਏ, ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਬੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਬਿਸਤਰ ਆਪਣਾ ਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲੈ। ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿਆ ਹੈ ਮਤਲਬ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰ ਜੋ ਥਾ ਅਭੀ ਲਗਾਉਣਾ ਥਾ ਤੋ ਮੈਂ ਹਾਲ ਮੇਂ ਬਿਸਤਰ ਲਗਾ, ਹਾਲ ਮੇਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਧ ਪੀ ਕੇ ਤੋ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਤੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਮਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਆਪਣਾ ਸੌਂਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਟਾਈਮ ਥਾ, ਅਭੀ ਤਿੰਨ ਹੀ ਚਲਾ ਥਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ, ਨੀਂਦ ਖੁੱਲੀ, ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਰਦ ਔਰ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਐਸੇ ਥਰ 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 ਕਾਂਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਵਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਸੇ ਉਠਾ ਨਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਧਰ ਸੇ ਪਿਆਸ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੀਣੇ ਕੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੜੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਮੈਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਲਗਾਈ ਪਰ ਪਾਸ ਨੂੰ ਉਠਾਏ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਜੋ ਕਿ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣੇ ਕੌਣ ਪਾਣੀ ਕੌਣ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਲੱਗ ਗਈ, ਨੀਂਦ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਜਾਗ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, 9:15 ਸਵੇਰ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੇ ਐਸੀ ਆਂਖੇ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਾ ਹੁਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਕਦਮ ਸੇ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਜੋ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰੀ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖਾ ਇੱਧਰ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਬੈਠੀ ਉੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਜਿਤਨੀ ਸੰਗਤ ਆਣੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਤੋ ਬੀਚ ਪੇ ਮੈਂ ਲੇਟਾ ਹੁਆ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਐਸੇ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਜੈਸੇ ਮੁਰਦਾ ਲੇਟਾ ਹੈ ਯੇ ਸਭ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਐਸੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਮੇਰੇ। ਅਬ ਮੈਂ ਉਠੂ ਉਠਾ ਨਾ ਜਾਏ ਇਤਨੀ ਤਰਸ ਹੋਈ, ਐਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੈਸੇ ਨਾ ਅਰਥਰਾਈਟਿਸ ਕੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਐਸੇ ਸੀ ਬੜੀ ਤਰ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਏ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸਕੋ ਪਕੜ ਕੇ ਉਠਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਮਸਤੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਠਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਆ ਕੀਆ, ਰਜਾਈ ਕੋ ਹਟਾਇਆ ਮੈਂ, ਉਲਟਾ ਹੋ ਉਲਟਾ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਜੂ ਔਰ ਘੁੱਟਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ
ऐसे बच्चा जैसे गौर करता है, मैंने ऐसे करके ना, तो मैं वहाँ से आगे थोड़ा सा बढ़ा तो आगे लॉबी का दरवाज़ा था, मैंने दरवाजे को पकड़ा, पकड़ के उसके सहारे थोड़ा थोड़ा फिर मैं खड़ा हुआ, तो दीवार पकड़ के अब लॉबी क्रॉस कर जा। मैं बड़ी मुश्किल शाम 3-4 बज गए, पहली शिफ्ट खत्म होने को आ गई, दूसरी 7 बजे शुरू हुई। तो मैं उठ के तो मैं चल के आके पकड़ के आके उसी ट्रीटमेंट रूम के बिल्कुल जस्ट उसके बाहर कुछ अंदर गए तो सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, तो मैं सीढ़ियों पे ऐसे गया। अब गुरु जी हॉल से कुर्सी में पीछे तो मेरे को जाए, वहाँ से आए तो मेरी तरह ऐसे तिरछी नज़र से ऐसे देखते हुए चले जाए। पूछा नहीं, मेरे मन में ना ये चलने लग गया, मैं क्या गुरु जी ऐसा क्यों हो गया, पूछने से ही बात चली गई, पूछ तो लो कम से कम हुआ क्या तेरे। रात की शब शुरू हो गई, मेरे से बैठा नहीं जा, मैं फिर अंदर चला, मैं लेट गया सारी रात बेकार। सवेरे जैसे दरबार शुरू हुआ, मैं फिर धीरे धीरे उठ गया, फिर आके सीढ़ी में बैठ गया, थोड़ा लेट आया, 10-11 बजे आया मैं फिर बैठ गया। गुरु जी फिर ऐसे निकल के चले जाए मेरे आगे से, ऐसे तिरछी नज़र से ऐसे देख के तो वे निकल जाए। मैं कहा तिरछी नज़र से ही देखते हो, पूछते नहीं हो कि तेरा की होया, की हो गया। पर मेरे धीरे धीरे जैसे नाराजगी नहीं होती अपने साथी से, अपने प्रेमी से, अपने संसार से, ऐसे बड़ी नाराजगी। कोई गल ना पूछो, मेरा की गल है, जब ऐसी नौबत आ जाएगी अपने आप संभालो कि मेरा क्या जाना। फिर गुरु जी दोपहर 1-1.5 बजे, तो गुरु जी ना पहले मेरे आके से ऐसे निकलते गए, फिर रास्ते से फिर मुड़ के मेरे तरफ आ गए, वो तेनू बुखार हो गया। मेरे मन च पहले यही अंदर आया, जो आप बोलिया नहीं पर आया, मैं कहा हूँ याद होना सी गुरु जी तुम पूछा कल का पिया हो, अज याद होना सी, हूँ याद होना सी, दिखा नबज अपने। मैं इतना बैठा सी, मुँह मेरा इतना सी, उन्होंने मेरा इतो हाथ पकड़ा, पकड़ के ना ऐसे जोर से ऐसे मार, मैं बैठा ही घूम गया। जा खत्म बुखार, या बुखार बात बोले बोल जी चल, शायद किसम किया तेरे जो भी चाह दे बंदा चाह ले किया चाय। वहाँ बैठा रहा, बैठे 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 मैं ठीक होना शुरू हुआ, 15-20 मिनट में मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नॉर्मल। मैं उठ के खड़ा हुआ, इधर उधर देखा, सब ठीक ठाक है।
तो मैं उस समय कमरे में थे, मैं कमरे अंदर चला गया। हाँ, हो गया ठीक बुखार। चल फिर मेरे से चाह बना के सेवा शुरू। ये तरीका होगा सिकुरी का, जिससे सेवा शुरू कराने जब मेरे से चाय बना के सेवा शुरू। रात निकल गई, मैं डरता, मैं बोर जाई ना नू अगली रात। मैं कह इसी को लेने से मेरी ये हालत हुई। तीन बार भी मैं यही सोचता रहा, मेरे को ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई, गुरु जी की रजाई मैंने ली, मेरे को लेनी नहीं चाहिए। पहले नहीं, उड़ने से पहले मैं 10 बार सोचा था लूँ कि ना लूँ, इसमें हर भाई को क्या करूँ। फिर मैं कहूँ गुरु जी का सेंटेंस याद कर, वो करना सेंटेंस जो बोलते तो बोला है तू ले ले, मतलब तू उड़ ले। मैंने गलत कुछ नहीं किया, पर असर इसी का ही, मैं डरता बोल जाएगा। बुझता बिस्तर बिस्तर लग गया, सब कुछ हो गया। तो मैंने कहते हैं कि चल लगा बिस्तर अपना, मैं बिस्तर लगाया तो मैं रजाई उठा के ना ले गया। दे बिना रजाई तो सोना है, ठंड कितनी है। मैं कहा गुरु जी मैंने तो डर लग रहा, रात की रजाई आपकी ली तो मेरी हालत क्या हुई मैं आपको बता नहीं सकता। गुरु इतनी दर्द, इतनी बुरे हाल में 2 दिन निकाल। तब गुरु जी ने पता क्या जवाब दिया, कहते देख मेरी लई हुई रजाई तू झेल नहीं सकता, मेरी तोड़ी हुई रजाई को तू लेके सोया तो उसका भार झेल नहीं सका। तो कहते मैं सारी दुनिया का भार उठा के रखता हूँ, मेरा क्या हाल होगा। गुरु जी ना कई बार उनके मुंह से अनभोली ऐसी बात निकल जाती है, वो अपने आप के लिए बोलते हैं कौन गुरु जी, वो बात निकल जाती है। सारी दुनिया का भार कौन लेता है, परमात्मा, और से कुछ नहीं है। तो ये परमात्मा होने का प्रमाण कोई ना कोई बहाने से गुरु जी के मुंह से मैंने बहुत बार सुन चुका। या तो मेरे को सुनाते थे कि तेरे को पता चल गया मैं कौन हूँ तो कल दुनिया में तू दसेगा, या अनुभव ही उनके मुंह से निकल जाता था तो वो मैं सुनता था। किसी ने पूछा कहते गुरु जी तुम सौंदे कदों, जवाब देंदे कहते रब सौ जाए तो परलो नहीं आ जाएगी। अब वो बंदा तो समझा नहीं, कई बार मिलना मैं कह यार इस गल का मतलब कहता यार अपनी समझ तो बाहर है, वो नहीं समझा असी समझ गए। जे रब सौ जाए तो परलो, तू पुछ रहे है कि तुम सौंदे कदों, तो जवाब दिता जे रब सौ गया तो परलो नहीं आ जाएगी, तो रब कौन होया फिर, तुम जिन्हों पूछा तुम सौंदे हो कि नहीं सौंदे, तेन इन्नी गल भी समझ नहीं आई। पर गुरु जी भी ना परमात्मा भी, जिसको कोई बात समझानी हो उसको समझाते हैं दूसरे के
ਛੋਟੀ ਸੀ ਸਮਝ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਵੀ ਪੱਲੇ ਦੀ ਪੜਨੀ। ਐਸਾ ਹੈ ਸੋ ਬਾਤ ਜੋ ਚਲੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਬਾਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋਗਾ ਸਭ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਏ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਏ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਨ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਤਬ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਤਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਚੁੱਪ ਮਤ ਰਾਤ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਆਪਕੋ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਬਤਾ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਥਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਪੇ ਆਪ ਚੱਲਨੇ ਕੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿਸੇ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਸਤੇ ਪੇ ਚਲੇ ਹਮ ਐਸਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਕਿ ਹਮ ਉਨਕੇ ਬਤਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਪੇ ਚਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭਸੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬਾਤ ਬੋਲ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਤ ਕੋ ਆਪਰੇ ਪਕੜਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਅਬ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਤੋਂ ਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤ ਕੋ ਬੋਲਣੀ ਦੋ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਸਕਤੇ ਹੋ ਅਗਰ ਰੋਡ ਪੇ ਹੋਤੇ ਤੋ ਕਿਆ ਕਰਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠ ਲੈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਾਥਰੂਮ ਕਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੇ ਜੋ ਬੜੇ ਸਾਲੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਆਜ ਵੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜਬ ਪਹਿਲੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਜਾਤੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੀਚ ਮੈਂ ਆਗੇ ਹੋ ਜਾਓ 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 ਆਗੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕੀ ਇੱਧਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੇ ਕੀ ਖਾਤਰ 40 ਬੰਦੇ ਕੋ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਅਰੇ ਟਿਕਣਾ ਹੀ ਤੋ ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ ਕਾਮ ਹੈ ਟਿਕਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤੋ ਆਤੇ ਹੈ ਤੋ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਮੈਨੇ ਉਸਕੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੂੰ 40 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਮਾਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਅਪਸੈਟ ਔਰ ਜਬ ਮੇਰੇ ਕੋ ਉਸਨੇ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਉਸਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦੀ ਆਂਖੇ ਨੀਚੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਛੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਆਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਉਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੋ ਮੈਨੇ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਾ ਥਾ ਯਾਦ ਕਰ
कितने कितने बड़े बड़े आप देख लो उनके तब आते हैं, तब सवाल जवाब होते हैं। सवाल जवाब क्या होते हैं? ये थोड़ा पूछ रहा तेरा हाल क्या है और फलाने का की हाल है, नहीं। उत्थे फिर रब की पूछ रहा है, गुरु की पूछता है, बोल की चाहिदा, बोल की चाहिदा। उस वेले फल का टाइम आ, ये याद ही है कितों तक लगे। ये तुहाडी याद तुसी कई बारी याद आपने किया होगा कोई दूर बैठे और इतना खो गए हो गए जिंदगी में, एक आध बार जोर हुआ होगा हर किसी ने, इतना खो गए हो गए उस समय ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पास बैठा, ऐसा महसूस हुआ होगा। बस यही याद कर, सबने याद ही किया है, भगत फजई जी ने भी किया है, भगत कबीर जी ने भी किया है, फजीदास जी ने भी किया है, सैन भगत जी ने भी किया है, सबने याद किया। शिवजी महाराज ने की महाराज ने प्राप्ति एडी वी कर ली, महादेव का खिताब बना ले लिया, सारे देवी देवताओं के सरदार बन गए, जो तांत्रिक विद्या जंत्रिक विद्या जो है सारी देखो अपने उन्होंने हाथ से देती रब ने, कहते तेरे तो बिना है कोई बुद्धि नहीं देगा। वो की करता मशहूर है कि वो नशा करते, ये आम बात सबको पता, क्यों करते हैं? ताकि उस नशे से दुनिया से कट ऑफ हो जाऊं और एक ही चीज परमात्मा की तरफ ध्यान करूं। नशा भी उसका करना, ये अफीम हो गई, डोडे हो गए, भांग हो गई, ततूरा हो गया, ये नशे का पर्पज पता की है? ये ट्रक ड्राइवर जड़े क्यों खाते हैं डोडे अफीम क्यों खाते हैं? ये ड्राइविंग करते ना, उनका एक ही नज़र आँख टिक जाती है आगे की तरफ, ताएं बाएं नहीं देखते थे, और इतने फर्क से भी वो गाड़ी निकाल जाते, इतने उनका माइंड उनका कॉन्शियस हो जाता, इतने फर्क से वो गाड़ी निकाल देते, क्यों? टेक लगती है एक एक के तरफ टेक लगती, तो उनकी टेक लगती थी परमात्मा, उन्होंने ये साधन बनाया, स्टार्टिंग में ये साधन बनाया, लोगों ने मजाक बना के रख दिया। शिवरात्रि आ गई, लियाओ जी पंग घोटो जी, मारो पी लो जी नशा के, चीका मारो जी, नचो जी, चीका मारो नचो जी, ऐ भक्ति, ये कोई भक्ति? इस तरह महाराज खुश हो जाएंगे, उन्होंने एक मुख दिते से असि मन मर्जियां कर दी, जो सानू चंगा लगता सी वो कर असि शामिल कर लेने, हम तो ऐसे ऐसे सियाने की शेप ही बना के रख देते हैं। एक बंदा है संगत में मेरी नजर में, वो डॉक्टर साहब में, और लेकिन वो आंटियों के साथ नाचना, उस बंदे में हजार बंदे में किसी लेडी का नाचना कभी हिम्मत नहीं आई, इतने शर्मों हया से वो
खड़ी होती है लेडी सारी लेडी कि वो नहीं करेगी। लेकिन गुरु जी टेस्ट लीजिए, तू मेरा कहना मानती है, तेरा काम करना है, वो काम करना जरा दुनिया च कोई हो नहीं सकता, कर नहीं सकता, मौज है उन्होंने। मेरा कहना मंगना, हुक्म मंगना है कि तू दुनिया की लोक लाज देखनी, एक टेस्ट बस। बंदे आदमियों नु कहना इधर अजा कर जा, 5 लाख रुपया लैके आ, मैनू चाहिए। कई बंदे तो गए वापस ही नहीं आए, बड़े बड़े कई ने हाथ जोड़ देने, गुरु जी तुम तो सब जानी जान, तुम तो पता है। कहते जे तू ये गल मैं पूछता तो मैं तुम दस दिना भी तेरा किन्ना पैसा किसे तेरा पिया, तेरिया किनिया एफ डी है, तेरी बीवी ने तेरी घरवाली ने एफ डिया भी करवाइया, इनिया करवाइया, तेरे तो चोरी करवाइया, फलानी जगह पड़िया, लै एफ डी का नंबर भी दस दिन जाके चेक कर, इन्हें अंतरजामी गुरु जी, ये अंतरजामी इन्ना परमात्मा ही हो सकता और कोई नहीं हो सकता। टेस्ट ले दिस इतने तो पुछो कुछ चंगा लगता नचना, शोर पाना नचना चंगा लगता, मन करता, मन यही तो साढ़े को करा, और की करा सारा की करा मन सारा। इस करके याद करना ही भगती, गुरु जी कहते सी बाकी सब पंबल भूसा, आ वर्ड वर्ड बोलते ये उन्होंने इलाके का पंजाबी का वर्ड पंबल भूसा कहते हैं, कि जिदा कोई मूँह सिर नहीं है, कोई समझ नहीं आती है, हम कहते पंबल भूसा। सो याद करो, याद बनाओ, उन्होंने याद खोना शुरू हो जाओ, स्टार्टिंग तुम मुश्किल लगेगी, होएगा नहीं दिल ना हारना जल्दी, जे दिल नहीं हारोगे तो बड़ी जल्दी फिर तुस चल पाओगे, फिर तुम नज़ारे तुम आने शुरू हो जाएंगे, और तुम दसने नहीं फिर किसी नज़ारा नहीं दसना, वो तुहाडा परसनल है, दसोगे तो खत्म हो जाएगा, वो मेहनत बेकार, तो फिर अगर कम करनी उस ने तो तुम फिर गुरु जी के नाल जुड़ना, जब बहुत कट्ठी गल पढ़ लोगे पूरी फिल कर दोगे बॉडी अंदर, फिर कितने बैठा है बॉडी के कि हिस्से कुछ बैठा है, उत्थे तक जब पहुँच जानी तो कनैक्शन जुड़ जाना, तो गुरु की प्राप्ति हो जाए, इदा प्राप्ति होंगी और कुछ नहीं कर। गल समझ आ गई, तो याद कराया करो बस, हो सत्संग जरा ना ये स्कूल है, रब के घर का स्कूल है, जे ये जगह ना बनी होंगी तो तुम तो कभी भी ना, कभी भी ना, ये रब का स्कूल बनया तो गुरु जी फिर तुम इशारे करके भेज दिए, तू भी चल, 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 मैं जलंधर दिल्ली तू भेज दिया, तू भी चल चल, हूँ कहते ला के आ, तू चल चार दे मेरे बारे बोल, ये खास वजह पता नहीं कि वास्ते भेज दिता, मैं ये मैं हमेशा नोट किया,
ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ, ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਰੇ ਰੱਖੋ, ਸ਼ੇਪ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਕੋ ਜੋ ਸਾਰੀ ਬਾਤੇਂ ਅੱਜ ਤਭੀ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਬ ਯਹਾਂ ਕਲਾਸ ਲੱਗ ਗਈ, ਬੋਲਣੇ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏਗਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਦੱਸੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ। ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸਣ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਆਪਕੋ ਘਰ ਬਤਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ? ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਆਪ ਕਹਾਂ ਸੇ ਪੁੱਛਣੇ ਜਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇ ਘਰ ਕੀ ਬਾਤੇਂ ਅਗਰ ਸਮਝਣੀ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤੇਂ ਅਗਰ ਉਨਕੀ ਸਮਝਣੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਐਸੇ ਬਣਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਥਕਾਵਟ ਬਹੁਤ ਆ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੀ 21 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਟੇਰਨ ਮੈਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 21 ਤਰੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਰਾਤੀ ਪਰ ਜਤਨ ਦਿਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਬੁਲਵਾਤੇ ਰਹੇਗੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਬੋਲਤਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂ, ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਤਾ ਹੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਨਾ ਹਮੇ ਆਤਾ ਹੈ ਬੋਲੂ, ਨਾ ਹਮੇ ਕੁਛ ਪਤਾ। ਤੋ ਜੋ ਬੁਲਾਤੇ ਹੈ, ਬੈਠਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਤੀ, ਜੋ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੋ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੁਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਬੁਲਵਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸੁਣ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਹੀਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜੇ ਰਾਜ ਆਉਣਾ ਜੇ ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਬੰਦੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਨਮ ਮਿਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਰੀ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਗਿਆ ਬੇਕਾਰ ਬੇਅਰਥ, ਔਰ ਕਿਆ ਹੁਆ ਉਲਟਾ, ਭਾਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਮੈਂ ਭੁਗਤਣਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਹੂੰ ਜਾਗ ਕਹਾਂ ਬੋਲੇ, ਅੱਜ ਹੂੰ ਜਾਗ, ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਗ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਅੱਜ ਹੀ ਚੱਲ ਪੜੋ, ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਉ ਯਾਦ, ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਉ ਯਾਦ, ਡੂਬ ਜਾਓ ਯਾਦ, ਕਾਮ ਕਾਜ ਛੋੜਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਮੇ ਸਭਸੇ ਜਲਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਰਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬਤਾ ਦਿਓ ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਬਣੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਲੱਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜੋਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜੋਨ 'ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ, ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਦੀ, ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਕੁੱਤਾ ਬਣੇਗਾ,
बंदे की गारंटी नहीं हर बार बंदा बनेगा, पंछी की गारंटी नहीं कि हर बार पंछी बनेगा, नहीं, कर्मों के हिसाब से ये जूने बनती हैं, कर्म मिलती हैं 84 लाख जून। अगर एक बार इस चक्कर में पड़ गए तो एक जून का एक साल की एवरेज लगा लो तो देख लो कितने साल पे घूमते रहोगे, ढूंढोगे इंसानी जन्म का बने। जितने भी देवी देवते हैं ना ये आज तक फंसे हुए हैं, उनकी मुक्ति नहीं हो। आज भी तरला है उनका, एक बार इंसानी जन्म दे दे परमात्मा, फिर तेरी मैं भक्ति करके मैं मुक्ति प्राप्त करती हूँ, फिर मैं मुक्ति प्राप्त करती हूँ। आप क्या समझते हो कि ये जून क्या है?